अज की यह वीडियो इतिहास विषय विच पंजाब दा इतिहास पढ़न वाले विद्यार्थियों लई है, ना केवल विद्यार्थियों लई सगों हर वो व्यक्ति जो पंजाब दे इतिहास नूं जानना चाहुंदा है लई लाहेवंद साबित होवेगी। पेश है पंजाब दा इतिहास 1469 ईस्वी तो 1849 ईस्वी। उस समय अज दे मुकाबले पंजाब काफ़ी वड्डा सी। समय समय ते पंजाब दे वख वख हिस्सों नूं पंजाब तो तोड़िया जांदा रहा। 1901 ईस्वी विच लार्ड कर्जन ने सिंध पार दे इलाकियां नूं पंजाब तो वख करके उत्तर पछमी सीमावर्ती प्रांत बना दिता। 1911 विच दिल्ली नूं वख कीता गया। 1947 विच देश दी वंड समय पंजाब दो हिस्सों विच वंडिया गया। 1966 ईस्वी विच हरियाणा नूं वखरा सूबा बनाया गया ते कुछ हिस्से हिमाचल नूं दे दित्ते गए। इस तरह घटदा घटदा अजोका पंजाब रह गया। वख वख समयां ते पंजाब नूं वख वख नाम दित्ते गए। सप्त सिंधु, पंचनद, पेंटापोटामिया, टक देश, लाहौर सूबा, लाहौर राज, पंजाब प्रांत। इसका अजोका नाम पंजाब जो पंज दरियावां भाव पंज पाणियां दी धरती पंज जमा आब तो मिलके बनिया है ज़्यादा लोकप्रिय रहा। वंड तो बाद भी दोवां पंजाबां ने अपना नाम नहीं बदलिया। पंजाब दे भूगोल की गल करिए तां इस दे उत्तर वल हिमालय पर्बत है जिस उपर सारा साल बर्फ रहिंदी है। इस दी सब तो उच्ची चोटी माउंट एवरेस्ट है जिस दी उचाई 29,028 फुट है। ये भारत का पहरेदार रहा है क्योंकि इस पास्यों दुश्मन का आना लगभग असंभव है। इस विचों आने वाली नदियां ने पंजाब के मैदानी भागों को उपजाऊ बनाया। उत्तर पछम वाले पासे घट उच्चियां पहाड़ियां ने जिन्हों की औसत उचाई 6,000 फुट तक है। इस पासे पहाड़ों विचों बने कुदरती रस्ते भी हैं जिन्हों दरे कहा जाता है। दरा खैबर, कुरम, गोमल, टोची और बुलान इन्हां दरिया राही दुश्मन अक्सर पंजाब ते हमले करता रहा है। इसलिए उत्तर पछमी सीमा हर शासक लई सिरदर्दी बनी रही। पहाड़ां दे पैरां विच वसिया इलाका तराई प्रदेश कहाउंदा है जो ना तो पूरी तरह पहाड़ी है ते ना ही पूरी तरह मैदानी। एक घाटा पचाऊ है। इस विच हुशियारपुर, कांगड़ा, अंबाला, गुरदासपुर आदि इलाके आउंदे ने। इस तों अगे है मैदानी भाग जिहड़ा बहुत उपजाऊ है। इस नूं अकबर बादशाह ने दुआबियां विच वंडिया सी। दो दरियावां विचले इलाके नूं दुआबा कहा जांदा है। पंजाब दी भूगोलिक स्थिति ने इस दे इतिहास ते बहुत प्रभाव पाए। दरिया राही दुश्मन भारत ते हमले करन लई आउंदे रहे। पंजाब सब तो पहला इन्हां दुश्मनां दा मुकाबला करदा क्योंकि दुश्मन सब तो पहला पंजाब दे विच प्रवेश करदे सी। इसलिए पंजाबियों नूं दो हत्थ करन लई तैयार रहना पैंदा सी। पंजाब सदियां तक युद्धां दा अखाड़ा बणिया रहा। इसलिए पंजाब नूं भारत दी खड़क भुजा भी कहा जांदा कि वह बाँ जिहड़ी तलवार फड़ के खड़ी रहिंदी सी। पंजाब वासी लड़ाके, बहादुर, मददगार, खुला खर्च करन वाले हो गए। ये गल्लां अज भी इन्हां दे सुभाअ दे विच शामिल ने। इन्हां दरिया राहीं जिथे दुश्मन हमले करदे सी उत्थे वपार करन लई भी व्यापारी इत्थों दी आउंदे सी। इस दे नाल पंजाब दे लोकां नूं आर्थिक पक्ष तों काफ़ी फायदा होया। वख-वख धर्मां दे जातियां दे लोग इत्थे वसे। इसलिए जिहड़ा पंजाब दा सभ्याचार आ उह वी इस तरह दा हो गया कि इत्थे वख-वख धर्मां दे, वख-वख जातियां दे, वख-वख देशां दे लोग इस धरती दे उपर वसे। पंजाब दे इतिहास नूं जानण लई सिखां दे धार्मिक साहित नूं पढ़ना जरूरी है। जे असीं सोमियां दी गल करिए कि किहड़े किहड़े सोमे ने जिन्हां तों सानूं पंजाब दे इतिहास की जानकारी मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब भावें धार्मिक ग्रंथ है पर इस तों वी सानूं उस समय के राजनीतिक, धार्मिक, समाजिक ते आर्थिक हालातां दा पता लगता है। जन्म साखियां, हुक्मनामे, पंजाबी, हिंदी ते फारसी भाषा विच लिखियां पुस्तकां, पटवईयां, खालसा दरबार रिकॉर्ड, भारतीय अंग्रेज सरकार दे रिकॉर्ड, इतिहासक इमारतां, चित्र, इत्थों तक कि उस समय जिहड़े प्रचलित अखाण सी उन्हां विचों वी पंजाब दा इतिहास झलकदा है। 16वीं सदी के आरंभ विच भारत उपर लोधी शासकां दा शासन सी। पंजाब भी लोधी गवर्नरां दे अधीन सी। प्रजा दी हालत सी जिहड़ी बहुत माड़ी सी। इत्थों दे मूल वासियां नाल दूजे दर्जे दे नागरिकां दा वतीरा हुंदा सी।
लोधी शासक हिंदुओं नूं नफरत की नज़र नाल देखदे सी। जुल्मां नाल भुजदी इस धरती ते सुभागा दिन आया जिस दिन माता तृप्ता ते पंजाब दी हिक दोवें सुलखणियां होईयां जदों कत्तक की पूर्णमाशी नूं 1469 ईस्वी विच पिता महता कालू दे घर बालक नानक ने जन्म लिया। जिवें हनेरी धरती ते नूर दा मीह वरिया होवे, बालक नानक दे चोजां ने बचपन विच ही दस दिता कि वह कोई सधारण बालक नहीं सन। उन्होंने तीखण बुद्धि नाल अपने अध्यापकां नूं हैरानी विच पा दिता, जनेऊ पहनण तों इनकार किया ते नाल ही ना पहनण दा तर्क भी दिता। वड्डे होए तां पिता ने वपार लई पैसे दिते जिस दा उह भुखे साधुआं नूं भोजन खवाए ते वस्त्र दिए, क्योंकि उन्होंने लग्या कि इन्हों पैसों की वध लोड़ है। यही परंपरा गुरु के सिख अज तक निभा रहे हैं, जिथे भी लोड़ हुंदी है झट हाजिर हुंदे हन भुखियां दा ढिड भरन लई, चाहे वह देश होवे जां विदेश। पिता का कहना मन के उन्होंने गृहस्थ दियां जिम्मेवारियां नूं भी निभाया। उन्हां दा विआह होया, उन्हां दे घर दो पुत्रां ने जन्म लिया। अपनी भैण नानकी कोल सुल्तानपुर विखे गए मोदीखाने दे विच नौकरी कीती, पर 1499 ईस्वी विच दुनिया नूं उतारन लई घरों निकल पए ते निरंतर 1521 ईस्वी तक देश विदेश दीयां यात्रावां करके मानवता नूं सिद्धे राह पाउण दा काम करदे रहे। उन्होंने परमात्मा की एकता की गल की, जाति प्रथा का विरोध किया, औरतों के हक विच आवाज़ उठाई, किरत करो नाम जपो वंड छको का संदेश दिता। आप जी ने गृहस्थ जीवन विच रह के परिवारक जिम्मेवारियां निभाते हुए प्रभु नूं याद रखण ते नाम सिमरन करन लई कहा, लोड़वंदां की मदद करन लई कहा। अपने जीवन के अखीरी 18 वरे वह करतारपुर विखे रहे ते उत्थे उन्होंने आप खेती की ते लोकां नूं हाथ नाल किरत करन दा संदेश दिता। व्यर्थ दे रीति रिवाज छड्डण लई कहा, पर किसी नाल जबरदस्ती नहीं कीती, व्यवहारिक ढंग अपनाउंदे हुए प्रैक्टिकल करके लोकां दे मनां नूं बदलिया, चाहे वह मलक भागो होवे जां सज्जन ठग। हरिद्वार जाके लोकां नूं समझाया होवे कि तुहाडा पाणी सूरज तक नहीं पहुँच रहा। मक्के विखे परमात्मा दे हर जगह मौजूद होण दी गल कीती होवे। जुलम विरुद्ध आवाज़ उठाउण लई उन्होंने हमेशा ही कहा, उस समय बाबर भारत ते हमले कर रहा सी। 1519 तो 26 ईस्वी तक उसने 5 वारी भारत ते हमले किए। पानीपत की पहली लड़ाई विच 1526 ईस्वी विच उसने इब्राहिम लोधी नूं हरा के भारत दे उपर कब्जा कर लिया ते मेरा देश लोधियां दी गुलामी चो निकल के मुगलों की गुलामी वल चलिया गया। बाबर के जुल्मां दा गुरु साहब ने अपनी बाणी विच बड़ी बेवाकी नाल वर्णन किया। गुरु जी ने 976 शब्दों की रचना की। मरदाने नाल जदों रबाब ते रब्बी बाणी का कीर्तन करते तां पंजाब दी फिजा विच पवित्रता का अहसास हुंदा। 1539 ईस्वी विच अपना अंतिम समा नज़दीक जाण के उन्होंने अपने एक सिख भाई लहणा नूं अंगद नाम दे के अगला गुरु थापिया। गुरु अंगद देव जी ने गुरु गद्दी संभालण तो बाद जिहड़ा पहला काम किया वह सी गुरमुखी लिपि नूं उन्होंने हरमन प्यारा बनाया। लोगों नूं समझाया कि केवल संस्कृत पवित्र भाषा है, अजिही कोई गल नहीं। जरूरी नहीं कि धार्मिक ग्रंथ ने जिहड़े वह संस्कृत भाषा विच होण। इस तों पहला ब्राह्मण संस्कृत भाषा नूं ही पवित्र मनदे सी। नीवियां जातियां नूं इह भाषा सिखण ते धार्मिक ग्रंथ पढ़न दा अधिकार नहीं सी। उन्हां ने गुरु नानक देव जी की बाणी नूं इकट्ठा किया, संगत ते लंगर की प्रथा नूं अगे वधाया। जिहड़े काफ़ी सारे लोग सी गुरु नानक साहब के पुत्र बाबा श्री चंद वल उन्हां दा झुका हो रहा सी, तां लोकां नूं समझाया कि उदासी मत साडा मत नहीं है, असी गृहस्थ विच रहिंदे होए परमात्मा नूं याद करना है। सिखां दी शरीरक तंदुरुस्ती लई उन्होंने अखाड़ा बनवाया, खडूर साहब नेड़े गोइंदवाल नगर वसाया। अपना अंतिम समां नज़दीक देख के 1552 ईस्वी विच उन्होंने अपने सिख अमरदास जी नूं गद्दी बख्शिश की, जो रिश्ते विच उन्हां दे कुड़मां दी थां लगदे सन। तीसरे गुरु अमरदास जी गुरगद्दी समय उन्हां दी उम्र 73 वरियां दी सी। आप सब तो वडेरी उम्र विच गद्दी प्राप्त करन वाले गुरु ने।
ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 3 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੌਲੀ ਬਣਵਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਪਰਦਾ ਪ੍ਰਥਾ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 907 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1574 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 4 ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਕੋਲ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਬੌਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਂ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਬੜੇ ਹਸਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ 1577 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ 679 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਂਗ ਆਪ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸਨ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਆਪ ਨੇ 4 ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੇ। 1581 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 5 ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਿਥਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 2216 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। 1588 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਖਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੀ ਨਵੇਂ ਨਗਰ ਵਸਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਕਲਨ। 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ ਦੇ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, 15 ਹਿੰਦੂ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ, 11 ਭੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੁਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ
रिश्ता करना चाहुंदा सी गुरु जी दे पुत्तर नाल, इसलिए वह नाराज सी। नक्शबंदी मुसलिमां दी कट्टर जमात सब ने रल के जहांगीर दे कन्न भरे। शहजादे खुसरो दी सहायता दा बहाना बना के जहांगीर ने गुरु जी नूं गिरफ्तार कर लिया ते तरह तरह दे तसीहे दे के तत्ती तवी ते बिठा के गुरु साहब नूं शहीद कर दिता गया। गुरु अर्जन देव जी नूं शहीदां दे सिरताज दे नां नाल जाणिया जांदा है। ये घटना 1606 ईस्वी की है। इस जुलम नाल पंजाब की धरती कंब उठी। छेवें गुरु, गुरु हरगोबिंद साहब। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी शहीदी तो पहला अपने पुत्र नूं सुनेहा भेजिया सी कि हथियारबंद होकर गद्दी ते बैठे। गुरु जी भी यह गल समझ चुके सी कि जुलम का मुकाबला करने लई हथियार चुकने जरूरी हैं। इसलिए उन्होंने जदों गद्दी ते बैठे तो दो तलवारां धारण कीतियां। एक तलवार मीरी दी ते दूसरी पीरी दी प्रतीक सी। मीरी भाव संसारक काम, पीरी भाव अध्यात्मकता कि असीं अध्यात्मकता नूं भी नहीं छड्डना ते नाल सिखां नूं सैनिक बनने की ट्रेनिंग जिहड़ी आ देनी शुरू की। इसलिए गुरु साहब नूं मीरी पीरी दे मालक कहा जाता है। उन्होंने अकाल तख्त साहब की उसारी करवाई, खुद राजसी चिन्हां नूं धारण किया कि असीं किसी राजे तो घट नहीं। मुगलों विरुद्ध चार हथियारबंद लड़ाइया लड़िया, ये सिखां दे सैनिक बनने की शुरुआत सी। 1645 ईस्वी में ज्योति जोत समाउण तो पहला अपने पोतरे भाई गुरदित्ता जी दे पुत्र हर राय नूं अपना उत्तराधिकारी थापिया। 1645 ईस्वी में गुरु हर राय जी सत्तवें गुरु बने। गुरु हर राय जी बड़े मिठ बोलड़े, शांत चित ते कोमल हिरदे वाले सन। किसी फुल का टुटना भी उन्होंने मन में अशांत कर दिंदा सी। वह जख्मी जानवरों की संभाल करते। उन्होंने मनुखता की सेवा लई दवाखाना खोलिया ते प्रचार कार्य किए। अपने अंतम समय उन्होंने अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण नूं गद्दी बख्शी 1661 ईस्वी दे विच, क्योंकि वह अपने बड़े पुत्र राम राय तो नाराज सन, क्योंकि राम राय ने बादशाह औरंगजेब कोल एक गुरबाणी की तुक दे गलत अर्थ किए सन। इसलिए उन्होंने उन्होंने गुरगद्दी दे योग नहीं समझिया ते अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण नूं गद्दी दित्ती। हरकृष्ण जी की उम्र उस समय 5 साल की सी। सब तो छोटी उम्र के गुरु होण करके उन्होंने असी बाल गुरु के नाम नाल जानते हैं। आप सेवा की मूरत सन। उन्होंने छोटी उम्र में बीमारा की बड़ी सेवा की दिल्ली विच ते अपना जीवन सेवा करते हुए कुरबान कर दिता। केवल 8 साल की उम्र के ही वह अकाल पुरख विच अभेद हो गए। 1664 ईस्वी में जो हरकृष्ण जी बहुत ज़्यादा बीमार सन तो सिखा ने पूछा कि साड़ी अगे लई अगवाई करो। तो हरकृष्ण जी ने सिर्फ अपने मूँह दे विचों जो शब्द उचारे सी वह सन बाबा बकाला। ये शब्द बकाले विखे लंबे समय तो भगती कर रहे गुरु हरगोबिंद जी दे सपुत्र तेग बहादुर वल इशारा सन, पर बहुत सारे लोभियां ने गुरु होने का दावा कर दिता। अखीर मक्खण शाह लुबाणा ने गुरु की खोज की ते 1664 ईस्वी में आप गुरगद्दी ते सुशोभित होए। उन्होंने मानवता नूं सीधे राह पाउण लई देश दे वख वख हिस्सों विच यात्रावां कीतियां। आप जी की लोकप्रियता औरंगजेब तो सहन ना हुई। नक्शबंदियां ते कई गुरु घर दे विरोधियों ने औरंगजेब नूं भड़काया। उधर कश्मीर विच हिंदुआं ते बहुत जुलम हो रहे सन। कश्मीर का गवर्नर शेर अफगान जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बना रहा है। कश्मीरी पंडितों का एक 16 मैंबरी वफद गुरु जी के कोल मदद लई पहुंचिया तो गुरु जी ने कहा कि किसी महान व्यक्ति की कुरबानी की लोड़ है। तो उस समय बालक गोबिंद जिन्हों की उम्र सिर्फ 9 साल की सी कोल सन, उन्होंने कहा पिता जी आप तो महान कौन हो सकता है। गुरु जी अपने पुत्र के जवाब तो खुश होए तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाके अपने बादशाह तक सुनेहा पहुँचदा करो कि तेग बहादुर नूं मुसलमान बना लवे तो बाकी सारे अपने आप ही मुसलमान बन जाएंगे। जदों ये सुनेहा शेर अफगान ते बाद विच औरंगजेब कोल पहुँचिया तो बड़े खुश होए कि एक व्यक्ति नूं मुसलमान बनाना कोई औखी गल नहीं। गुरु तेग बहादुर जी की गिरफ्तारी के हुक्म हो गए। उस तो पहला ही गुरु जी अपने 3 सिखा
भाई मतीदास, भाई सतीदास ते भाई दयाला जी नूं लै के दिल्ली वल चल पए। रस्ते दे विच ही उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया गया ते बादशाह दे सामने पेश कीता गया, दिल्ली ले जाया गया। उत्थे गुरु साहब नूं तरह तरह के लालच डराबे दिते गए कि इस्लाम नूं कबूल कर लैण, पर गुरु जी ना मन्ने। तो फैसला होया कि इन्हां दे सिखां नूं पहलां इन्हां दे सामने शहीद किया जाए, हो सकता है कि गुरु जी डर जाण। तो बड़े तसीहे दे के सिखां नूं शहीद किया गया। भाई मतीदास नूं आरे नाल चीरिया गया, भाई सतीदास नूं रूह विच लपेट के अग लगाई गई, भाई दयाला जी नूं देग दे विच उबालिया गया। पर गुरु ने तो की डोलना सी, गुरु दे सिख भी नहीं डोले। अखीर गुरु तेग बहादुर जी नूं भी 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं दिल्ली दे चांदनी चौंक दे विच जिहड़ा सी सीस कट के शहीद करन दा हुक्म हो गया। गुरु साहब नूं उस जगह ते लजाया गया। जलाद जिहड़ा सीगा जलालुद्दीन ने गुरु साहब दा जिहड़ा सिर सी सीस सी उह धड़ तों वक्ख कर दित्ता। धरती असमान इस जुलम दे नाल कंब उठे। वड्डी गिणती दे विच भीड़ इकट्ठी हुई हुई सी। कहा जाता है कि असमान दा रंग लाल हो गया, तेज हनेरी झुली। तो भाई जैता जी ने बड़ी होशियारी दे नाल गुरु साहब का सीस संभालिया ते बड़िया औकड़ा चलते हुए पैदल दिल्ली तो आनंदपुर साहब पहुँचे। गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल पहुँचे। गुरु साहब ने उन्होंने रंगरेटा गुरु का बेटा कह के गले नाल लगाया। जिस जगह पर गुरु साहब के सीस का संस्कार होया उस जगह अजकल गुरद्वारा सीसगंज साहब सुशोभित है। जिस जगह पर गुरु साहब नूं शहीद किया गया दिल्ली विच उस जगह भी गुरद्वारा शीशगंज साहिब बनिया होया है। भाई लखी शाह बनजारा जिन्हों ने गुरु साहब के धड़ नूं अपने रूह के गड्ढे विच लुका के संभालिया ते अपने घर नूं अग ला के गुरु साहब के धड़ का संस्कार किया उस जगह अजकल गुरद्वारा रकाबगंज सुशोभित है। अपने शहीदी तो पहला गुरु साहब ने अपने पुत्र गोबिंद राय नूं जिहड़ी गुरगद्दी आ उह बख्शी। हुण गल करदे हां दसवें नानक गुरु तेग बहादुर अते माता गुजरी दे सपुत्र गोबिंद राय दी, जिन्हां दा जन्म 1666 ईस्वी नूं पटना विखे होया। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮਹਾਨਾਇਕ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੰਗਾਣੀ, ਨਦੌਣ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਰਮੋਹ, ਸ਼ਾਹੀ ਟਿੱਬੀ, ਚਮਕੌਰ ਅਤੇ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਜਦ ਚਮਕੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 125,000 ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਕੌਮ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੋਖੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ। ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਆਪਣੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 1721 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
भाई मनी सिंह जी ने दसम ग्रंथ के नाम हेठ संकलित किया। बंदा सिंह बहादुर जिसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव सी, वैराग धारण करके माधोदास बन गया सी। नंदेड़ विखे जो गुरु जी नाल मुलाकात हुई तो गुरु जी ने उसके अंदर सुते हुए शेर नूं पछाणिया ते उसनूं अपना सिख बनाया। अमृत छका के उसका नाम गुरबख्श सिंह रखिया, पर वह प्रसिद्ध बंदा सिंह बहादुर के नाम नाल होया। उसनूं अपने पत्थे विचों गुरु जी ने 5 तीर दिते, 25 सिख ते हथ लिखत हुक्मनामे दिते, जिन्हां दे विच सिख संगत दे नाम संदेश सी कि उह बंदा सिंह बहादुर की अगवाई कबूल करन। पंजाब पहुँच के बंदा सिंह बहादुर ने जालमा तो गिण गिण के बदले ले। वड्डी गिणती विच सिख उसके झंडे हेठ इकट्ठे होए। उसने वजीर खां नूं कुत्ते की मौत मारिया ते पंजाब दे वड्डे हिस्से ते कब्जा किया, लोहगढ़ नूं अपनी राजधानी बनाया, सिख गुरुआं दे नाम ते सिक्के जारी किते ते पहले सिख राज की शुरुआत की। 1715 ईस्वी तक अपनी गिरफ्तारी तक बंदा सिंह बहादुर ने मुगल हकूमत नूं वक्त पाई रखिया, पर 1715 ईस्वी दे विच अब्दुल समद खां ने गुरदास नंगल तो बंदा सिंह बहादुर नूं गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके बंदा सिंह बहादुर नूं दिल्ली लिजाया गया ते 1716 ईस्वी दे विच उस दे नाल होर भी बहुत सारे सिखां नूं गिरफ्तार किया सी। 740 सिख, हर रोज़ 100 सिख नूं शहीद किया जाता, इस्लाम कबूल करने लई कहा जाता, पर किसी ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया। अखीर बंदा सिंह बहादुर की बारी आई, तरह तरह के तसीहे बंदा सिंह बहादुर नूं दिते गए। उसके पुत्र नूं उसके सामने शहीद करके उसका मास उसके मूँह दे विच तुन्या गया, उसके शरीर नूं जंबूरां दे नाल नोचया गया, पर किसी भी जुलम दे नाल बंदा सिंह बहादुर नहीं डोले। ते 1716 ईस्वी दे विच ये महान सपूत शहीदी पा गया। बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो बाद सिखां दी शक्ति सी जिहड़ी खिलरनी शुरू हो गई। मुगल हकूमत वालों सिखां दे दमन लई पंजाब विच अजिहे सूबेदार लए गए जो बड़े जालम सी। अब्दुल समद खां, जकरिया खां, जाइया खां, मीर मन्नू, इन्हां सारिआं ने पंजाब दे बशिंदिआं ते असह ते अकह जुलम टाहे, पर लख कोशिशां करके भी सिखां नूं खत्म ना कर सके। अणगिणत योध्यां ने शहीदियां पाईआं, भाई मनी सिंह, भाई तारा सिंह वां, बोता सिंह, गरजा सिंह, भाई सुखा सिंह, महताब सिंह, बाल हकीकत राय, भाई तारू सिंह, इन्हां तों बिना हज़ारां होर सिख सी जिहड़े ओह शहीद होए। बंदा सिंह बहादुर की मौत तो बाद सिखां दे उपर पंजाब दे सूबेदारां ने बहुत जुल्म कीते, जिहड़े मुगल सूबेदार लगाए हुए सी। इन्हां जुल्मां तों तंग आ के सिखां ने जंगलां ते पहाड़ां दे विच शरण लई, सिखां दी शक्ति नूं मुड़ तों इकट्ठा करन दा काम कीता। नवाब कपूर सिंह ने 1734 ईस्वी दे विच उन्हां ने सिखां नूं फिर तों इकट्ठा कीता ते दो दलां दे विच वंडिया, बुढ़ा दल ते तरुणा दल। सिखां दी फौज दे विच भर्ती हुंदी गई, जथियां दे विच दी गिणती दे विच तरुणा दल दी जथियां दी गिणती दे विच वाधा हुंदा गया। 25 जथे होए, उस तो बाद 65 जथे होए। उस समय अबदाली भी जड़ा सी वह हमले कर रहा सी। अबदाली 1747 तो 1767 ईस्वी तक जड़ा सिखां ने उसका मुकाबला किया, इसलिए वह सिखां तो बड़ा चिड़िया होया सी, सिखां नूं खत्म करना चाहुंदा सी। उसने भी सिखां दे उपर अणगिणत जुलम किते। अपने लख कोशिशां दे बावजूद वह सिखां दी शक्ति नूं पंजाब दे विच्चों ख़त्म नहीं कर सकिया। इस तो बाद सिखां दे दलां दा फिर तो पुनर्गठन होया। लोड़ महसूस की गई कि जथियां दी गिणती बहुत वध गई है। 1748 ईस्वी विच नवाब कपूर सिंह ने इन्हां नूं दल खालसा दे रूप दे विच संगठित किया ते 12 जथे बनाए। हरेक जथे दा इक मुखी सी। इन्हां जथियां ने ही बाद दे विच मिसलां दा रूप धारण किया। इन्हां मिसलां नूं इकट्ठा करके महाराजा रणजीत सिंह ने विशाल सिख सामराज की स्थापना की। महाराजा रणजीत सिंह का संबंध शुकर चक्किया मिसल दे नाल सी। पंजाब नूं पहली बारी उन्हां दा प्यारा राजा मिलिया। जो अज भी जे वधिया शासन की गल करिए जां वधिया राज की गल करिए तां रणजीत सिंह वर्गे राज की गल की जाती है। उसका राज उत्तर विच लद्दाख तो लैके दक्षण विच शिकारपुर तक
ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। 1839 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੌਂ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਲਲਚਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਪਹਿਲਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ। ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। 29 ਮਾਰਚ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੌਮ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦਾ ਹੈ।